नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमाम तहसीन ट्रस्ट टीवी की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो डॉक्टर मोहम्मद अमीर अली साहब, एक कमिश्नर इंफॉर्मेशन आरटीआई के। हम इनसे जो है जानना चाहते हैं कि सर एक मैसेज दिए सर आवाम के लिए, जो आज बेहद ज़रूरी है सर। लॉकडाउन में जिस तरीके से प्रॉब्लम्स आए हैं, पब्लिक को एक अच्छा मैसेज दे दिए, क्योंकि आप बेहतरीन कमिश्नर हैं और आप जो है माशाल्लाह जो है आप इतना पोलाइटली बात करते हैं और आवाम को एक अच्छा मैसेज दीजिए सर। ऐसे काबिल लोगों का मैसेज आवाम सुन के दे, कम से कम उसको जो है फॉलो करें सर। बोलिए। रियासत तेलंगाना आवाम को मैं आदाब सलाम कर रहा हूँ। मेरे भाइयों मेरे बहनों को मैं एक अपील कर रहा हूँ, ये करोना वायरस से घबराना कुछ ज़रूरी नहीं है। एक काम अपन कर सकते इत्यादि अपने को बचा सकता है। मैं भाइयों को बता रहा हूँ, आज भी अपने भाई लोग थोड़े गलियों में देख रहा हूँ कैरम बोर्ड खेल रहे, बैठ के चेस खेल रहे। ये सोशल डिस्टेंस जब तक नहीं मेंटेन करे, ये करोना वायरस से बचना बहुत मुश्किल है। और रियासत तेलंगाना में और जितने भी तेलंगाना हुक्मरान जो जो पॉलिसीज ला रहे अपने बचाने के लिए, जो जो पॉलिसीज के साथ जो आज तेलंगाना रियासत में हम देख रहे लॉकडाउन, इंडिया में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लॉकडाउन आज तेलंगाना रियासत में हुआ। इससे मालूम हो रहा आज तेलंगाना के जितने मिनिस्टर से जो जो काम कर रहे, पुलिस से और MCH के जितने वर्कर से और डॉक्टर से, सब लोगों को मैं और एक बार वो लोगों को अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, आपकी मेहनत बहुत है तेलंगाना रियासत में, ये मेहनत हम कभी भी नहीं भूलेंगे। आपके साथ हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपके साथ है। सो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपके लिए, तेलंगाना रियासत आवाम के लिए काम कर रही। अपना मकसद एक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा अपन सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, उससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। वायरस से घबराना नहीं है, इसलिए हम एक बता रहे अल्लाह ताला इंसानियत को ख़त्म करे लोग आवाम ने। आज अल्लाह ताला ने इंसानियत को बढ़ाने के लिए ऐसा अजाब दिया, बल्कि मालूम हो रहा ये अजाब से बचने के लिए हम इंसानियत को बढ़ाना है। जितने भी NGOs ऑर्गेनाइजेशन इसमें लॉकडाउन में बहुत मेहनत करे, वो लोगों को मैं है ना आदाब कर रहा हूँ और मेहनत करेंगे। ये वायरस जब तक अपना डिस्टेंस मेंटेन नहीं करे, जब तक नहीं जाएंगे। इसके साथ हम हैं, इसके साथ जीना है, इसके साथ आगे बढ़ने के लिए मेरे भाइयों को सबको हम है ना आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, यही हम है ना हमारा अपील है। सर GHMC का फूड जो पब्लिक को खाने के लिए अगर वो मैसेज दीजिए सर, क्योंकि दिन रात जो है उसके काउंटर्स लगे हुए, पब्लिक को जो है खाना फ्री में जो गवर्नमेंट 5 रुपीज़ में दे रही है, जो अब तो जो है लॉकडाउन में बिल्कुल फ्री कर दी है, 1 रुपये भी नहीं ले रही गवर्नमेंट इस तरह से बिल्कुल। और तेलंगाना रियासत के हुक्मरान है हमारे जो रियासत के जो है हमारे CM साहब है, रियासत ने पहले इंसानियत को डेवलप करने के लिए सोच रहे। रियासत कितने भी आएंगे, CM से आएंगे, हर मिनिस्टर से आएंगे, ये नहीं है, इंसानियत के CM देखना है। और तेलंगाना रियासत में हमारे को नजरा रहा है। अपील हमारा ऐसा है, हिंदुस्तान में कोई ऐसा महान नहीं है जो काम ले लेके आगे बढ़ने के लिए, वैसा काम हमारे तेलंगाना रियासत के CM साहब कर रहे। डेफिनेटली हम आवाम के लिए जितना सोच रहे, कोई भी उनको उतना जैसा कोई भी नहीं सोच सकते आ रहे तेलंगाना रियासत में, उनके साथ है ना रियासत। अच्छे काम के लिए आगे बढ़ना है, गलत काम के लिए सब लोग है ना हाथ बढ़ाना नहीं है। अच्छे काम के लिए सब मिल के आगे बढ़ेंगे। ये वायरस कंप्लीट करिए क्लोज करने के लिए ये किसी के हाथ में नहीं है, ये अपने हाथ में है। हम ये सोचना है छोटे बच्चों को घर में रहने के लिए, उन लोगों को समझाना है, जो भी मौका है, ज़रूरी मौका रहे तो बाहर जाने के लिए उन लोगों को जो भेजाना है, अदरवाइज है ना उन लोगों को अपने साथ ही रहने के लिए कोशिश करना है। ये हमारा अपील है। और जितना भी मेहनत कर रहे सब, और मास्क भी डिस्टेंस में, ये मास्क भी है ना सब लोग मास्क भी रखना है, जो भी हाथ का जितने भी सैनिटेशन के जो भी जो जो होना है अल्कोहलिक जो भी जो अपना जो अल्कोहलिक के जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मैक्सिमम हैंड वॉश करके हम आगे बढ़ना है। मैक्सिमम हम जितना भी इसमें एहतियात करेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदा होगा। हमारे कमिश्नर साहब का मैं आज हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीर साहब जो है कमिश्नर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हमारे साथ है। आवाम के लिए जो है बहुत अच्छा मैसेज दिए हैं कि आवाम जो है एहतियात से रहें और हुकूमत जो गाइडलाइंस दी उसको फॉलो करें, ताकि जो है कोरोना वायरस से हम फाइट कर सकें, कोरोना वायरस को ख़त्म कर सकें।